चैप्टर 4 आपकी बुक का है जी, एट्रीब्यूट्स ऑफ टीचर से रिलेटेड। एक प्रोफेशनल टीचर के अंदर कौन से करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसको प्रोफेशनल बनाते हैं, उसको प्रोफेशनलिज्म की कैटेगरी में लाके खड़ा करते हैं। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट इनसाइट ऑन द ट्रेट्स ऑफ ए प्रोफेशनल टीचर, कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, एक्टिवली प्रमोट टीचर प्रोफेशनलिज्म, मेंटेन एंड इम्प्रूव टीचर्स प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। एक टीचर के पास अगर कोई ये प्रोफेशनल ट्रेट्स होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, तो वो खुद भी बहुत सी परेशानियों से बच जाएगा और स्टूडेंट्स भी इजी फील करेंगे, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म जिस बंदे में जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ग्रो करेगा अपने फील्ड के अंदर। ऑन दी अदर हैंड, जितना आपको पर्सनल चीजें लेने की आदत है, जितना आप में प्रोफेशनलिज्म कम है, उतना ही आप अपने लिए भी मसाइल खड़े करते हैं और दूसरों के लिए भी। तो आज हम ये देखते हैं कि एक टीचर जो प्रोफेशन है, टीचिंग का प्रोफेशन, उसके अंदर किस तरह से प्रोफेशनलिज्म लाई जाती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टीचर है कौन। ए टीचर इज ए पर्सन हु हेल्प्स अदर्स टू एक्वायर नॉलेज, कॉम्पिटेंसीज और वैल्यूज। एक बंदा जो बाकी बंदों को नॉलेज दे रहा है, उनको वैल्यूज सिखा रहा है, उनको नॉलेज अपना ट्रांसफर कर रहा है, उसको आप टीचर कहते हैं। तो टीचर के बारे में कहा जाता है कि ये वो प्रोफेशन है जिससे बाकी सब प्रोफेशंस का ओरिजिन होता है। ए ग्रेट टीचर टेक्स ए हैंड, ओपन्स ए माइंड एंड टचेस ए हार्ट। टीचर का ये काम है, जिस तरह से हम कहते हैं कि टीचर नॉलेज ट्रांसफर करता है तो वो भी करता है, लेकिन इसके अलावा हर स्टूडेंट को सेल्फ रिकग्निशन देना, उसके अंदर एहसास बेदार करना, उसको अपने आप की एक क्वालिटी को पहचानने में हेल्प करना, ये बेसिकली एक टीचर का काम होता है। तो प्रोफेशनल टीचर क्या है? इज द लाइसेंस्ड प्रोफेशनल हु पोजेस डिग्निटी एंड द रेपुटेशन विद हाई मॉरल वैल्यूज एज वेल एज टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। तो ए प्रोफेशनल टीचर एडहियर्स टू ऑब्जर्व्स एंड प्रैक्टिसेस ए सेट ऑफ एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज। जिस तरह से हमने अपने पिछले डिस्कशन में ये बात की थी कि हर प्रोफेशन के अपने एथिक्स भी होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, कुछ लिमिट्स होती हैं जिनके अंदर रहना पड़ता है। ए प्रोफेशनल टीचर परसीव्स हिमसेल्फ एज समवन हु कैन इफेक्ट चेंज। तो 4 मॉडल्स प्रेजेंट किए जाते हैं एक टीचर को प्रोफेशनल प्रेजेंट करने के लिए। द टीचर एज ए मैनेजर ऑफ इंस्ट्रक्शन, द टीचर एज केयरिंग पर्सन, एज एक्सपर्ट लर्नर एंड एज कल्चरल एंड सिविक पर्सन। तो यहाँ पर ये 4 कैटेगरीज आ जाती हैं, एक सोशल एस्पेक्ट, दूसरा पर्सनल एस्पेक्ट, बिहेवियर का एस्पेक्ट और इंफॉर्मेशन प्रोसेस का एस्पेक्ट। क्वालिटीज देखें एक प्रोफेशनल टीचर की। टीचर्स आर ईगर अबाउट देयर टॉपिक एंड कंटेनमेंट इन शेयरिंग व्हाट दे हैव लर्न। समटाइम्स इट अपीयर्स दैट दे कैन गो ऑन फॉर एवर अबाउट देयर सब्जेक्ट व्हाइल निगेटिंग द आइडिया दैट दे आर एन एक्सपर्ट। गुड टीचर्स विल टेल यू दे आर स्टूडेंट्स नॉट टीचर्स। अच्छा, एक अच्छा जी टीचर जो होगा स्कूल में, जब बच्चे उसके सामने बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश करके उनसे नहीं बोलेगा, वो उनके अंदर घुल मिल के उनको चीजें सिखाएगा। ये चीज आपने नोट की होगी, आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं तो अगले सुनने वाला जो है वो इरिटेट होता है, वो आपको आपकी सुपरविजन को एक्सेप्ट नहीं करता। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी बंदे के लेवल पे जाके बात करेंगे, उसको समझाएंगे, उसकी वर्डिंग में बताएंगे उसको, तो इस तरह के बंदे की बात ज्यादा सुनी जाती है। तो टीचर बन के जब अपने क्लास में जाना है तो इस तरह का बिहेवियर नहीं रखना होता कि बच्चे आपसे बिल्कुल डर जाएं, चुपचाप बैठ जाएं, आपके क्लास में एंटर होते ही सबके मुंह पे हवाइयां उड़ने लगें,
इसको प्रोफेशनलिज्म नहीं कहा जाता, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन है आपका, आपका मकसद है, ऑब्जेक्टिव है कि आपने बच्चों को सिखाना है, उनको नॉलेज देना है और उनकी वैल्यूज, जो मॉरल वैल्यूज होती हैं स्कूल लेवल पे, उनको इम्प्रूव करना है, उनको डरा के नहीं बिठाना। और ना ही ऐसा करना कि कोई बच्चा अगर सवाल पूछता है तो आपने उसको इस तरह से रिएक्ट करना है कि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो कि वो आपसे सवाल पूछे। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है, ये एट्रीब्यूट बताया जा रहा है, ये एक अच्छे प्रोफेशनल टीचर का करेक्टर बताया जा रहा है कि अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने एम को माइंड में रखते हुए वो बच्चों में घुल मिल के उनके लेवल के अकॉर्डिंग बात समझाएगा तो उसको एक अच्छा एक्सपर्ट टीचर माना जाएगा। दीज टू क्वालिटीज आर द प्राइमरी एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द टीचर, लव ऑफ नॉलेज एंड लव ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर्स। ये दो चीजें एक टीचर को अच्छा बनाती हैं, एक वो नॉलेजेबल पर्सन होता है और दूसरा वो स्टूडेंट्स में अपना टीचर का रोब झाड़ने के लिए नहीं जाता, बल्कि अपने आप को उनके इक्वल लाकर उनको चीजों को समझाता है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड रिफ्लेक्ट ऑन वंस एक्शंस सो एज टू एंगेज इन ए प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन इट इन्वॉल्व्स पेइंग क्रिटिकल अटेंशन टू द प्रैक्टिकल वैल्यूज एंड थ्योरीज विच इन्फॉर्म एवरीडे एक्शंस बाय एग्जामिनिंग प्रैक्टिस रिफ्लेक्टिवली एंड रिफ्लेक्सिवली। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इज समवन who at regular intervals looks back at the work they do and the work process and considers how they can improve. They reflect on the work they have done. तो एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना चाहिए एक अच्छे टीचर को, ताकि उसे पता चले कि क्लास में उसने क्या पढ़ाया था, क्या जो है मैसेज कंडक्ट किया था, उसको स्टूडेंट्स ने गेन किया है या नहीं किया। अब ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं जो कि एक टीचर अडॉप्ट कर सके। अच्छा टीचर इंक्वायरिंग टीचर, टीचर्स हैव द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एंड हैव अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड लाइफ चांसेस ऑफ आवर यंग पीपल। द स्टाइल अप्रोच, ए कॉमन व्यू ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस व्हिच फोकसेस ऑन हाउ टीचर्स टीच। द आउटकम्स अप्रोच, a common view of teaching effectiveness which focuses on student results. The inquiry approach hai, an alternative view of teaching effectiveness that incorporates style and outcomes within an inquiry based framework. ab kisi bhi teacher ki effectiveness ko check karne ke liye different methods hain. इसके अलावा एक कमिटेड टीचर को देखें, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी। द स्ट्रेंथ ऑफ एनी प्रोफेशन डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कमिटमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स एंड द टीचिंग हैज नो एक्सेप्शन। जितना आप अपने काम से अच्छे कमिटेड हैं, उसके उसके साथ आप लगन से काम करते हैं, उतना ही आपको ज्यादा बेनिफिट देता है वो काम, उतने आउटपुट्स अच्छे आते हैं। और टीचिंग प्रोफेशन में कमिटेड होना इंसान का बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक रेगुलर बेसिस पे आपको जाकर क्लास में लेक्चर देना होता है, तो अपने आप को उस तरह से मोल्ड आपको करना है टीचर बनने के बाद। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक दफा आप लेक्चर दे दें लल्ला खैर सल्ला, इस तरह से कोई भी छूट आपके पास नहीं है। ए कमिटेड फिजिशियन इज वन हुज बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय हिज फिलॉसफी ऑफ व्हाट इज मेंट बाय हिज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। अब ये एग्जाम्पल फिजिशियन की दी है, इसी तरह से लॉयर की एग्जाम्पल देख लें। ए कमिटेड लॉयर इज वन हुज प्रैक्टिस इज बेस्ड अपॉन हिज फिलॉसफी ऑफ लॉ। किसी भी प्रोफेशन में जो आप उस प्रोफेशन की फिलॉसफी को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप अपने आप को उतना ही कमिट करने में हेल्प होगी आपको। Consequently, a committed teacher is one whose behavior is consistent with his philosophy of education. अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कमिटमेंट क्या है। नंबर वन, कमिटमेंट टू द स्टूडेंट्स। The teacher struggles to help each student recognize his potential as a valuable and effective member of the society. The teacher therefore works to stimulate the spirit of inquiry, the acquisition of knowledge, formulation of previous goals.
स्टूडेंट्स के साथ कमिटमेंट शो करनी है। आपने ये नहीं कहना कि ये तो सोसाइटी से आए हुए बच्चे हैं, मेरा तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं इनको सिखाऊं या ना सिखाऊं ये मेरी मर्जी है, दैट्स नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड टीचर। वो आपके स्टूडेंट्स हैं और उनसे आपका ये रिलेशन है कि आपने उनको नॉलेज सिखाना है, उसके लिए जितना आप फैसिलिटेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को आपने करना है, दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए कमिटेड टीचर। फिर है जी कमिटमेंट टू द प्रोफेशन। द एजुकेशन प्रोफेशन इज वेस्टेड बाय द पब्लिक विद ए ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायरिंग द हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ प्रोफेशनल सर्विस। क्योंकि यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन एक बहुत क्रिटिकल प्रोफेशन है, यहाँ पर स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं, तो अगर टीचर में खुद कहीं पर इस तरह से आप कह लें कि inappropriate behavior है उसका, तो स्टूडेंट्स को किस तरह से सिखाएगा। लॉयर हो जाए या फिजिशियन हो जाए, ये इस तरह के प्रोफेशंस हैं कि पर्सनल क्वालिटीज उनकी जो भी हो वो पब्लिक को इफेक्ट नहीं करती। ऑन दी अदर हैंड टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बंदे की टीचर की पर्सनल क्वालिटीज वो पब्लिक को इफेक्ट कर रही होती है, वो बच्चों को इफेक्ट कर रही होती है, दैट्स व्हाई इसको बाकी प्रोफेशंस की निस्बत जो है ज्यादा क्रिटिकल समझा जाता है। मोरल एजेंट। फ्रॉम एरिस्टोटल टू नाउ इट इज मोस्ट ऑफ थिंकर्स बिलीव दैट एथिक्स कैन बी टॉट। एरिस्टोटल इसे लेकर आज तक ये समझा जाता है कि एथिक्स को आप सिखा सकते हैं। The research demonstrates that the student's moral profile is strongly shaped during the academic years. Teachers has an important influence on students' moral development. तो सिर्फ जैसे कि बार बार हम कहते हैं कि सिर्फ नॉलेज देना बच्चों को ये आपका काम नहीं है। ग्रेड्स आजकल देखें आप बच्चों के बहुत अच्छे आ रहे हैं, नंबर उनके पूरे आ जाते हैं, 100% उनकी परसेंटेज होती है, लेकिन उसके बावजूद उनमें वो कॉम्पिटेंस नहीं है। जब वो किसी एग्जाम में बैठते हैं वहां पर मार्क्स नहीं ले सकते, या फिर जहां पर उन प्रैक्टिकलिटी का सामना करना पड़ता है तो वहां पर वो फेल हो जाते हैं। इसकी रीजन ये है कि हमने सारे फोकस किया है अपने ग्रेड्स के ऊपर, अपने परसेंटेज के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, वो जो साथ दूसरा एस्पेक्ट था उसे हमने साथ से निकाल दिया, इस वजह से आजकल ऐसा हो रहा है। तो टीचर्स को जरूरत है कि इस एस्पेक्ट को क्या करें, साथ में इंक्लूड करें। रोल ऑफ अ टीचर एज ए मोरल एजुकेटर भी होता है। टीचर इज ए रोल मॉडल हु सेट्स गुड एग्जांपल टू द स्टूडेंट्स। टीचर को एक काउंसलर है हु ऑफर्स एडवाइस अपने स्टूडेंट्स को। फॉर्मिंग ए केयरिंग एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, टीचिंग फॉर एक्सपर्टीज एंड परफेक्शन, ये एक टीचर का काम है। अब देखना कि अगर एक टीचर सही मानो में टीचर बनता है तो उसका काम कितना मुश्किल हो जाता है। रोल मॉडल क्या है, जब हम पहला पॉइंट कहते हैं कि टीचर इज ए मोरल एजेंट इन द सोसाइटी, तो इसका क्या मतलब है? पहला पॉइंट इसमें रोल मॉडल का है। रोल मॉडल इज ए पर्सन हु इंस्पायर्स एंड एनकरेजेस अस टू स्ट्राइव फॉर ग्रेटनेस, लिव टू अवर फुलेस्ट पोटेंशियल एंड सी द बेस्ट इन अवरसेल्व्स। ए रोल मॉडल इज समवन वी एडमायर एंड समवन वी इंस्पायर टू एस्पायर टू बी लाइक। ये रोल मॉडल की डेफिनेशन है आपके पास, जिसको बच्चा देखता है तो वो कहता है कि मैं उस जैसा बनूं। तो अगर उसको अपने आसपास टीचर की सूरत में, पेरेंट की सूरत में रोल मॉडल नहीं बन रहा, तो बहुत मुमकिन है कि वो फिल्मों के हीरोज को ही रोल मॉडल बनाएगा, तो अपना फ्यूचर खराब करेगा। ए चाइल्ड एज वी नो नीड्स मॉडल्स एंड नॉट क्रिटिक्स। दीज मॉडल्स ए चाइल्ड फाइंड्स फर्स्ट इन हिज पेरेंट्स एंड सेकंड इन हिज टीचर्स। अगर आप बीइंग ए टीचर बच्चे को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उसको सही तरीके से सिखाते नहीं है, आपका तरीका जो है वो थोड़ा सख्ती पे बेस करता है, तो स्टूडेंट क्या है वो एक अच्छे रोल मॉडल से महरूम रहेगा। वो एबिलिटीज जो अपने अंदर डेवलप करना चाहता है उसे नहीं पता, जिसको देखेगा उसी को फॉलो करेगा। तो अगर आप रोल मॉडल के तौर पे एक्ट नहीं कर रहे, आप अच्छी आदतें उसमें उसको सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे बच्चे को, तो वो गलत चीजें सीखेगा। Honest is the second property. We want our children, for instance, to develop the quality of honesty. The teacher must then be very honest in all her behavior with the children she is handling. In this regard,
पार्शियलिटी एंड फेवरिज्म आर द टू मोस्ट हॉरिबल क्वालिटीज दैट ए टीचर शुड नॉट हैव। तो एक प्रोफेशनल टीचर होने के लिए जरूरी है कि आप क्लास में ऑनेस्टी को अपनाएं। अगर कोई बच्चा जाती तौर पे आपको पसंद है उसको आप पनिश नहीं करते, वही एक दूसरा बच्चा जब वो शरारत करता है आप उसको सख्त पनिश करते हो, तो माइंड्स में, बच्चों के माइंड्स में ये आता है कि ये इक्वालिटी नहीं है। इसी तरह से मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें किसी की सिफारिश आपके सामने आ जाती है उसके नंबर ज्यादा कर देते हो, दूसरा बच्चा जो लाइक है वो उसके ग्रेड गिर जाते हैं। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं वो बच्चों के माइंड में, फिर वो भी यही चीजें सीखते हैं। अफेक्शनेट, द नेक्स्ट क्वालिटी दैट वी वुड लाइक टू फाइंड इन आइडियल टीचर इज दैट ही शुड बी वेरी अफेक्शनेट टू ऑल द चिल्ड्रन इन charge. The love they get at this stage of life is what makes them lovable and affectionate adults. वही बात है कि आपने बच्चों को ड्रा के नहीं बिठाना, उनको सिखाना है कि रिस्पेक्ट के साथ टीचर के साथ उसने किस तरह से बात करनी है, ना तो बिल्कुल चुप बैठे स्टूडेंट्स और ना ही इतना शोर मचाएं कि फिर आपको उन पे समझ ना आए कि उनको कंट्रोल किस तरीके से करना है। Good learner. The students believe that the teacher is a fountain head of all knowledge. जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है जैसे उनके टीचर जो है वो सारे सारा नॉलेज उनके पास है। This belief of the children must be kept alive by teacher, which is possible only if he continues to learn together with his teaching assignments. A good teacher is the one who is also a good learner. Time के साथ साथ चीजें नई आती जाती हैं। आप देख लें 10 साल पहले आपका फिफ्थ क्लास का सिलेबस कुछ और होगा, उसके बाद कुछ आप कुछ और है। इसी तरह से टेक्निक्स आप देख लें, वो टाइम के साथ साथ चेंज होती हैं। रूल्स स्कूल्स के चेंज होते हैं, अगले ही साल कोई अमेंडमेंट हुई होती है रूल्स में। ये टीचर जो है साथ साथ अपने आप को मोल्ड करता जाए, नई चीजें सीखता जाए, तभी वो स्टूडेंट्स को सिखा सकता है। अगर एक ऐसा टीचर जो नई चीजें सीखने का आदी नहीं है, नई चीजों को अडॉप्ट नहीं करता, वो स्टूडेंट्स को पुराने तरीके पर ही लेकर चलेगा। जिस तरह से आजकल दौर है प्रोजेक्टर का, स्लाइड्स पर पढ़ाने का, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं उसी तरह से स्टूडेंट्स को डिक्टेट कराऊं, उसी तरीके से पढ़ाऊं, तो आप एक ओल्ड फैशन टीचर हो जाते हैं। तो टाइम के साथ साथ आपको अपने आप को चेंज करना है। उसके अलावा टीचर, एक प्रोफेशनल टीचर का एट्रीब्यूट है कि उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो। विद हिज एटीट्यूड ऑफ फैमिलियरिटी विद द चिल्ड्रन, द टीचर विल विन द कॉन्फिडेंस एंड दे विल ऑलवेज डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विद हिम एंड दे विल आल्सो टेक हिम एज देयर कॉन्फिडेंट। फॉर दिस द टीचर हु has to put himself in the shoes of the children, understand their feelings, and he will be loved for this. तो जितना आप बच्चों को बच्चा बन के डील करेंगे उसी तरीके से उतना ही वो आपसे जो है आपकी बात सुनेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये थे कुछ एक प्रोफेशनल टीचर के एट्रीब्यूट्स।